मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनीष सिसोदिया को प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के बहुत लोकप्रिय नेता, लाखों बच्चों को फ्री में शिक्षा देने वाले और देश विदेशों तक शिक्षा के नाम पे देश का नाम रोशन करने वाले और बहुत कुशल ईमानदार हमारी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी को एक फर्जी केस के आधार पर, चार शीट में उनका नाम नहीं है, किसी केस में उनका नाम नहीं है, किसी सरकारी अधिकारी की गवाही को दिखा के जो भाजपा सरकार करती है उस गवाही के आधार पर फर्जी तरीके से कल उन्हें बुला के सीबीआई ने दूसरी बार पूछताछ की और 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कितनी शर्मनाक बात है। जो आदमी देश में इतनी अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहा है, इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है, इतने लोकप्रिय नेता को, इतने अच्छे नेता को एक फर्जी केस के आधार पर गिरफ्तार करना कितना निंदनीय मामला है। और इसके साथ साथ वहाँ उनके साथ में धरना दे रहे हमारी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी सांसद संजय सिंह जी को भी गिरफ्तार किया, उनके साथ में कई विधायकों को किया, पार्षदों को किया। तो देश में क्या इमरजेंसी लागू हो रही है क्या? जो अच्छा काम कर रहा है उसे पकड़ पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनीष सिसोदिया को आरोप लगा दो, किसी पे भी आरोप लगा दो, सीबीआई उनकी, ईडी उनकी, सब कुछ उनका है। इस देश में जो भी अच्छा काम कर रहा है, जो भी अपोजिशन में है, उसे पकड़ के गिरफ्तार करा जा रहा है कि ईडी कह रही है, सीबीआई कह रही है। तो सीबीआई तो उनके हाथ में। हमारी पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और मांग करती है कि सिसोदिया जी को और हमारे तमाम नेताओं को, संजय सिंह जी को रिहा किया जावे। इसे लेके पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में आज ये एजिटेशन चल रहा है, जो चलता रहेगा, उनकी रिहाई तक खत्म नहीं होगा। धन्यवाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी देश को लूटना